ये हमारे हारमोनियम मास्टर हारमोनियम वादक हैं, ये हारमोनियम बजा रहे हैं। वो हारमोनियम बजा रहे हैं। इशारा जहां खबरी रुक जाए भाई, समझे ना? बिल्कुल समझ लूंगा। वो है बस, हमने अमानत को देख लिया। तुमने सौदा देख लिया भाई? बिल्कुल देख लिया। अब बताइए तुम्हारा इनाम। हमारा इनाम कुछ नहीं है, जैसे हमारी बावनोगढ़ की जो चुंगी है, हाँ, उस चुंगी को हमारे माफ कर दो, और जैसे दो चार गांव हैं मुझे कमाने खाने के लिए दे दो। तुम्हारे लिए हम पांच गांव कमाने खाने के लिए देते हैं, और आज से बनिए के बच्चा पर कहीं चुंगी और बरियल नहीं लिया जाएगा। पोता सरपोता गड़पोता किसी को चुंगी परी वो ना चाहिए, किसी पर नहीं पड़ेगी। जहाँ पर बनिए का अंश लगा होगा, चुंगी और बैरियल नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ठीक महाराज, में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो। जय गोपाल की आशीर्वाद है, हाथी घोड़ा संगई पाल की है। चतुराई चौपटी करे और ज्ञानी गोता खाई, यति को फूलो सजना काटो डाल पात से जाई। करनी करके क्यों डरे और क्यों पीछे पछताई, काटे बे जब बबूल के प्रेमियों आम कहां से खाई। हमारे भारत के वीरों, राजा प्रथम ने अनजान में उस लड़की को बनियों लोगों के हाथ से खरीद लिया, जान नहीं पाया राजा प्रथम ने कि हमारी सगी बहू है, अनजान में धोखे से खरीद लिया। आप देखिए उस लड़की से किस प्रकार से बात करते हैं राजा प्रथम, और उस लड़की की देखो क्या बातचीत हो रही है। अरे रानी साहब, आप कैसे बैठी हो? अरे राजन, आप रानी किससे कहते हो? ये भी कोई पूछने की बात? रानी मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं महाराज, आपकी भूल है, चूके मैं तुम्हारी रानी नहीं हूँ। क्योंकि आप मेरी रानी नहीं हो, मैंने तुम्हें बनियों लोगों के हाथ से बिक्री में ले लिया है। आप मेरे हाथ में बिक चुकी हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। क्या? बनियों लोगों के हाथ से आप मेरे हाथ में बिक्री हो चुकी हो। हे भगवान, बनिए लोग तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। अरे नहीं, गलत कहती हो, बनियों लोगों ने तुम्हारे साथ में बुरा नहीं किया, अच्छा किया। पता नहीं तुम किस दरबार की राजरानी हो, बनियों लोगों के साथ में दर दर की ठोकर खा रही थी, बनियों लोगों ने अच्छा किया जो मेरे राज दरबार में पहुंचा दिया। आप यहाँ पर खुश और मंगल रहोगी, सौ सौ बांदी हमारी खिदमत में तुम्हारे लिए रहेंगी, इसलिए बनियों ने बुरा नहीं किया। यहाँ पर आप महल की राजरानी बनकर रहोगी। राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्यों? मैं तुम्हारी रानी नहीं बन पाऊंगी, सही बात। मैंने तो आपको खरीदा है। कोई इंसान अगर बिक्री में कोई वस्तु खरीदता है तो अपने इस्तेमाल करने के लिए खरीदता है। राजन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बिल्कुल कह सकती हो। दोस्तों, रानी मोती सोचती है मैं कहाँ से कहाँ आ गई। मैंने हे भगवान, बनी लोगों कुछ कहती हूँ, कहा नहीं जाता, बगैर का मुझसे रह नहीं जाता। धरती है मैया मेरी, तुम फट जाती।
भाई पारी उमरिया है बारी लड़कैया बनी पतरानी मेरी बैठौ महलनमा सौ सौ बादी मेरी रहाई खिचमिचमा हमहू रहाई तेरे ताबेदार कहीं एक मन की रनिया कहिया छूट गए राजन सुन ले रनिया नहीं अमते कहिया अरे बैठे मौज तुम करियो महलन मा मेरी सौसाऊ बांधी तेरी हर दम रहेंगी खिजमित मा हम लाई रनिया तुम्हारी राजन बनी पई नाई खिट जीती दारी हमारी नाई जरूरत अरे तुम्हारे पछेला नारी न बेली धन दौलती गोरिया मैंने पलियन का जल उठवाई दई तुम तारा जना राज करत मरहाई बलमा मेरी रत्ता देखती हुई अरे लाखन महीने माल लुटाई दे बनियन का प्यारी हमने तुम्हें खरीदो बनियन से अरे उन बनियन का भूल जाओ राजन सुन ले समय गलत की माफी दे दे अरे अगर बात मेरी मनियो ना ये लबेली नारी कृपा छे पछताई सौ सौ कहूं मई एक नहीं मां नहीं राजन सुन ले रनिया नहीं बन पई अरे राज में बनिया तौ जस हुई ही नहीं जबरन प्यारी हाय राजन सुन ले मरे हाथ न लगया अरे चौथी से गुरी दया नौ न बखंडा यल बेली तिरिया चलाऊ ऊंचे स्वर्ग दिखलाया सौ सौ कहूं मई एक नहीं माने राजन सुन ले मई जान दे भाई राजन अरे मरकत पलिका परे है दौरा पैल बेली हो नारी कहना मनी औ हमारो आगे लगाई दे सजिया मई राजन सुन ले तुम से कई रही पतिव्रता राज में बनी आउरनिया बनाई है नहीं जबरन प्यारी सजिया तुम पै बिछवा माई काय के राज रे तुम जिद करत तुम मानत नाई कई ना मेरो मनिया अरे अब का गोरिया मत कट हुई गो क्या अकली तुम्हारी आई रनिया खुदई बौरानी दस रुपया गया लाल के सिरो बन नगर से दस रुपया बीरन ने उते मा अरे अरे रनिया तुम्हारी अब ही महिला लवा जाए बैठिया इन पायु कुम चलाया अरे रनिया हती सो चली गई हाय तुम्हारी सूरत यो तुम्हारी मूरत की रानी प्रिय मैंने तुम्हें इसलिए खरीद लिया
श्रीमान ये हमारे भैया सियाराम जी कस्बा सरोवर नगर की तरफ से 20 मुद्रिकाएं पुरस्कार करते हैं, पार्टी की तरफ से बहुत धन्यवाद होता है। प्रिय मैंने तुम्हें इसलिए खरीद लिया कि बिल्कुल तुम्हारी सूरत और तुम्हारी मूरत जैसी हमारी एक धर्म पत्नी थी जिसका नाम था मंझावती, उसको मैंने जल्लादों के हाथ में सौंप करके बियाबान जंगल में कत्ल करवा दिया, मरवा दिया। मैंने जब तुम्हें देखा तुम्हारी भी सूरत बिल्कुल वैसी ही मुझे मालूम हुई, इसलिए मैंने आपको खरीद लिया। और जैसे मेरी वो पटरानी रहा करती थी वैसे ही मैं आपको रखेंगे, हमारे राज दरबार में तुम्हारे लिए कोई कष्ट नहीं होगा। दोस्तों, जब रानी मोत्री जब सती मंझा मैया का नाम लेते हैं, रानी मोत्री जान जाती है तुम मेरे ससुर जी हैं। हे भगवान, तुम्हारे बनी लोग तुम्हारा सत्यानाश है, तुमने मेरे ससुर के हाथ बेच दिया। मगर तो रानी मोत्री जान जाती है मेरे ससुर जी हैं, मगर राजा प्रथम नहीं जान पाते हैं, मेरी सगी बहू है। आज रानी मोत्री कैसे खुशामत कर रही है, क्या काम कहती है और क्या बात कहती है। श्रीमान हमारे भैया जागेश्वर, जागेश्वर भैया इसी ग्राम सरोवर नगर की तरफ से ये 20 मुद्रिकाएं पुरस्कार करते हैं, न्योते में पार्टी की तरफ से धन्यवाद होता है। और छह महीना की हमारी मोहलत दई देव राजन सुनी ले।